आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवरहेड्स। तो ये बहुत इजी टॉपिक है। तो अभी ये ओवरहेड्स मतलब हम लोग ने देखा है कॉस्ट शीट में कि जो डायरेक्टली लगता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है वो है ओवरहेड्स। मतलब ओवरहेड्स का खर्चा करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन उसका ट्रेडिशन है या दूसरे लोग कर रहे हैं, इसके लिए अपने को करना पड़ता है। तो इसके लिए ये ओवरहेड्स का खर्चा अपने को कैलकुलेट करना है। तो अभी ये जो टॉपिक है ओवरहेड्स, उसमें दो टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एक तो सबसे पहला आपको क्लासीफाई करना पड़ता है, जो भी खर्चा है आपको डिपार्टमेंट वाइज क्लासीफाई करना पड़ता है, जैसे आपने FY BCom में किया था। मतलब अलग अलग रेशियो रहते थे, सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, परचेस रेशियो। तो सेलिंग से जो खर्चा होता था वो सेल्स रेशियो में डिवाइड करते थे, परचेस से रिलेटेड जो रेशियो होता था परचेस रेशियो में डिवाइड करते थे। बाद में जो रेंट वगैरह थे एरिया के रेशियो में डिवाइड करते थे। तो इधर भी आपको सेम करना है, इधर भी आपको सेम करना है, हर एक खर्चे को डिपार्टमेंट वाइज आपको डिवाइड करना है, हर एक खर्चे को आपको डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं कि कौन सा खर्चा कौन से बेसिस पे डिवाइड करना है। अभी दो कॉलम बनाने का, एक्सपेंसेस और बेसिस, कौन सा खर्चा कौन से बेसिस पे आपको डिवाइड करना है। तो इधर दो कॉलम है, एक्सपेंसेस और बेसिस। तो सबसे पहला रेंट है। रेंट जो है आपको पता है FY BCom में एरिया के बेसिस पे डिवाइड करते थे, इधर भी एरिया है। फिर रिपेयर्स टू प्लांट, कुछ प्लांट का रिपेयर सब लोग ने किया। तो वो प्लांट के रेशियो में डिवाइड करते हैं। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, वो भी प्लांट के रेशियो में डिवाइड करेंगे। फिर लाइटिंग एक्सपेंसेस, तो ये अपने पास पॉइंट्स कितने हैं इसके ऊपर डिवाइड किए जाते हैं, लाइट के पॉइंट्स उसके ऊपर डिवाइड किए जाते हैं। बाद में सुपरवाइजर एक्सपेंसेस, सुपरवाइजर एक्सपेंसेस से नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या वर्कर्स
हेलो सुपरवाइजर एक्सपेंसेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, उसके बाद फायर इंश्योरेंस अगर स्टॉक का निकालते हैं, फायर इंश्योरेंस स्टॉक का तो फिर स्टॉक वैल्यू है पावर रहेगा तो हॉर्स पावर रहता है हॉर्स पावर या प्लांट का वैल्यू, नहीं दिया रहेगा तो प्लांट वैल्यू। और ये भी प्लांट वैल्यू है दोनों, उसके बाद एम्प्लॉयज इंश्योरेंस रहेगा ये होता है वेजेस के ऊपर। अभी एक कंफ्यूजन है, सुपरवाइजर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर है, लेकिन ये जो एम्प्लॉयज इंश्योरेंस है ना, ये नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर नहीं रहता, ये वेजेस के ऊपर रहता है, ये आपको ध्यान में रखने का है। सुपरवाइजर का खर्चा नंबर ऑफ वर्कर्स या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर रहता है, और एम्प्लॉयज इंश्योरेंस ये वेजेस के ऊपर रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके इतना काफ़ी है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट मैं आपको बना के देता हूँ, इसका फॉर्मेट कैसे रहता है। तो नीचे मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, तो सबसे पहला हेडिंग डालना पड़ता है, हेडिंग है इसका स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, तो ये हेडिंग है। अभी हेडिंग के अंदर क्या रहता है, सबसे पहला रहता है पर्टिकुलर्स,
जिसमें हम लोग खर्चे का नाम लिखते हैं पर्टिकुलर्स के कॉलम में। फिर अगला कॉलम रहता है बेसिस, मतलब कौन से बेसिस पे डिवाइड कर रहे, बेसिस, और फिर टोटल। तो ये तीन कॉलम है, पर्टिकुलर, बेसिस और टोटल। अभी कैसे रहता है, जो फैक्ट्री है उसमें कुछ डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के रहते हैं, कुछ डिपार्टमेंट सर्विस के रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में 5 डिपार्टमेंट है, उसमें से 3 डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के हैं और 2 डिपार्टमेंट सर्विस के हैं। ओके, तो प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट में इधर अपने को लिखना है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। समझो मान लो एबीसी ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट डी और ई है। अभी इसमें डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और सर्विस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट्स डी और डिपार्टमेंट डी आते हैं। तो पूरा पेज इसके लिए छोड़ने का, सबसे पहला बॉर्डर डालेंगे, तो ये बॉर्डर डाली, उसके बाद रूलिंग करेंगे, तो ये फॉर्मेट है। पर्टिकुलर बेसिस टोटल, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मान लो एबीसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डी और ई सर्विस डिपार्टमेंट है, तो ये आपको लिखना है। बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपके खर्चे हैं, ये जो है रेंट से लेके एम्प्लॉयज इंश्योरेंस तक, आपको इनको जो भी खर्चे हैं आपको पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखने हैं। उसके बाद जो भी इनके बेसिस है आपको बेसिस के कॉलम में लिखने हैं। फिर आपको एक एक लाइन छोड़नी है हर आइटम लिखने के बाद।
तो ये फॉर्मेट है, और इधर आपको जो भी टोटल खर्चा है वो लिखना है, और ये खर्चा आपको डिवाइड करना है। इधर टोटल लेनी है, एक मिनट, टोटल लेने से पहले आपको मैंने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बोला था। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अगर ये तीनों आते हैं तो आपको इनकी सिर्फ आपको ये आइटम्स आपको सर्विस डिपार्टमेंट में लेने हैं। ये तीनों आइटम आपको सर्विस डिपार्टमेंट में लेने हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लेने हैं। इनको आपने सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लिया है और इनकी टोटल आपको लेनी है। बाकी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट एबीसी में आपको नहीं लेना है। तो फिर टोटल लेंगे, तो ये फॉर्मेट है, कॉपी कर लो। सबको प्रॉपर दिखाई दे रहा है ना? यस यस, फॉर्मेट आपको नोट डाउन करना है। एक 5 मिनट में आपको देता हूँ, कॉपी कर लो।
ओके सबका लिख के हो गया क्या? चैट बॉक्स में लिखिए सबका लिख के हो गया। ओके तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी प्रॉब्लम्स रहते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप पे प्रॉब्लम भेजा है। सिर्फ आपको रेशियो में डिवाइड करना है हर एक अमाउंट को, आइडेंटिफाई करना है कौन से रेशियो में डिवाइड करना है और उसके हिसाब से डिवाइड करना है। तो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। अ फैक्ट्री हैज़ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इधर ध्यान दो, एक फैक्ट्री है जिसके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, P1, P2, P3 एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट S1 एंड S2। 3 प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है P1, P2, P3 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2। द फॉलोइंग ओवरहेड्स एंड अदर इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो अभी आपको कुछ खर्चे दिए हैं और नीचे उसका बेसिस दिया है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऊपर का जो खर्चा है ये नीचे के कौन से बेसिस के अनुसार डिवाइड करना है। तो सबसे पहला रेंट, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, सुपरविजन, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, ESI कंट्रीब्यूशन, पावर, ये अपने खर्चे हैं और नीचे आपको उसके बेसिस दिए है, एरिया, नंबर ऑफ वर्कर्स, वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, स्टॉक वैल्यू, हॉर्स पावर ऑफ प्लांट। अभी अपने को आइडेंटिफाई करने का है। देखते हैं, तुम लोग को मैं पूछता हूँ किसको आइडेंटिफाई करने को आता है। सबसे पहला एरिया, एरिया कौन से बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, कोई बता सकता है? आपके पास 6 ऑप्शन है, 6 ऑप्शन में से रेंट कौन से बेसिस पे डिवाइड करना है, कोई बता सकता है? रेंट कौन से बेसिस पे डिवाइड करेंगे? बराबर है, रेंट एरिया, एरिया के बेसिस पे डिवाइड करना है। उसके बाद रिपेयर, रिपेयर कौन से बेसिस पे डिवाइड करना है, रिपेयर, रिपेयर कौन से बेसिस पे डिवाइड करना है, प्लांट, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कौन से बेसिस पे डिवाइड करना है, डेप्रिसिएशन कौन से बेसिस पे डिवाइड करना है, प्लांट, डेप्रिसिएशन भी प्लांट, बराबर। उसके बाद लाइटिंग, लाइटिंग कौन से बेसिस पे डिवाइड करना है, लाइटिंग प्लांट वैल्यू पे नहीं आएगा, पॉइंट्स आएगा, लेकिन इधर पॉइंट्स दिया नहीं है, पॉइंट्स बराबर है लेकिन इधर पॉइंट्स नहीं दिया है। पॉइंट्स नहीं दिया रहेगा तो एरिया कंसीडर करने का, पॉइंट्स नहीं दिया रहेगा तो क्या कंसीडर करने का, एरिया। तो आपके ये टेबल में भी लिख के लो, जो आपने जो टेबल बनाया है उधर लाइटिंग का खर्चा पॉइंट्स, पॉइंट्स नहीं दिया रहेगा तो एरिया, ठीक है, पॉइंट्स नहीं दिया रहेगा तो एरिया। उसके बाद अगला जो है सुपरविजन, सुपरविजन कौन सा रेशो आएगा, सुपरविजन, सुपरविजन कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स, सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स पे डिवाइड करेंगे। फिर फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, स्टॉक है ना, नाम से ही पता चलता है, स्टॉक के रेशो में डिवाइड करेंगे। तो ये स्टॉक के रेशियो में डिवाइड करेंगे। बाद में ESI कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कंट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ये वेजेस के रेशियो में क्लासिफाई करेंगे। और ये ख़त्म होने के बाद लास्ट में वेजेस ही आइटम लेना है हम लोग, ये जो 6 आइटम्स है ना, ये पूरा होने के बाद लास्ट में वेजेस भी लेने का है, उसको भूलने का नहीं है। उसके बाद पावर, पावर कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, पावर, पावर कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे,
पावर पावर आएगा हॉर्स पावर के ऊपर। हॉर्स पावर क्या है? नहीं, प्रिंट नहीं, प्लांट नहीं, पावर हॉर्स पावर। मैंने क्या बोला था, हॉर्स पावर नहीं दिया रहेगा तो प्लांट में आएगा। अब इधर हॉर्स पावर क्लियरली दिया है। हॉर्स पावर का मतलब क्या रहता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो अपने को फैक्ट्री चलाने के लिए लगती है। अभी फैक्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा मशीन्स रहते हैं, तो वो घर के इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला है क्या? नहीं, अपने को फैक्ट्री चलानी है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं हॉर्स पावर। तो पावर हमेशा हॉर्स पावर पे बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आंसर बनाते हैं। नया पेज लो, नया पेज पे हेडिंग डालो, स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। स्टेटमेंट शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, उसमें पर्टिकुलर बेसिस टोटल और डिपार्टमेंट में P1, P2, P3। P1, P2, P3 ये प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट है, और S1, S2 ये सर्विस के डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। अभी हम लोग इसको पूरा पेज ड्रॉ करना है। तो ये फॉर्मेट हम लोग ने बनाया। अभी अपने को पोस्टिंग स्टार्ट करना है। सबसे पहला है रेंट, एक एक लाइन छोड़ना है आपको हर एक आइटम के बाद। रेंट डिवाइड करना है एरिया के बेसिस पे, रेंट एरिया के बेसिस पे डिवाइड करना है। रेंट की अमाउंट 6,000 है, रेंट की अमाउंट 6,000 है। अब ये 6,000 को कैसे डिवाइड करेंगे? अपना एरिया के रेट से। अभी देखो, एरिया का जो नंबर्स है 400, 300, 270, 150 और 8, तो आपको क्या करना है, उधर से जितने कॉमन जीरो है वो निकालने हैं, 430, 270, 150 और 80, तो लास्ट का एक जीरो निकाल सकते हैं। तो इधर रेशियो कैसे होगा, 40:30, 40:30:27:27 के बाद 15:8, लास्ट का जीरो निकाला। ये स्टेप समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखो जितने कॉमन जीरो रहते हैं वो निकालने के। अब ये 400, 300, 270, 100 और 80, इसमें लास्ट का एक कॉमन जीरो था, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो
रेशो क्या बच गया, 40, 30, 27, 15 और 8। इधर तक किसी को डाउट्स है चैट बॉक्स में लिखो, इधर तक सबको क्लियर है। ओके, अभी आपको क्या करना है, इनके टोटल से, इनका जो टोटल होगा उससे रेशियो को डिवाइड करना है। तो इनकी टोटल कितनी है, 40 + 30 + 27 + 15 + 8, तो इनकी टोटल 120 है। तो 6000 को 120 से डिवाइड करो, ये पेंसिल से लिखो आप, 6000 डिवाइडेड बाय 120, तो ये 50 आ गया। कितना आ गया, 50। तो अभी ये 50 का क्या करने का है, 50 को ये 40 हर एक को मल्टीप्लाई करना है, 50 × 40, 50 × 30, ऐसे आपका आंसर आएगा। तो पहला कितना है, 40 है, तो 50 × 40 करो, 50 × 40 = 2000, फिर 50 × 30 करो, 50 × 30, फिर 50 × 27 करो, 1350, 50 × 15 करो, 750, और 50 × 8 करो। तो सिंपल अपने को 6000 को 40, 30, 27, 15, 8 में डिवाइड करने का है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला इनके टोटल से डिवाइड करके ये आपका आंसर आएगा 50। अब ये 50 को मल्टीप्लाई करना है, पहला डिवाइड करो बाद में मल्टीप्लाई करो, पहला टोटल से डिवाइड करने का बाद में इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई करने का। सबको प्रॉपर समझ में आ गया क्या, चैट बॉक्स में लिखो सबको। हाँ, सबको प्रॉपर समझ में आ गया। अभी हर आइटम आपको ऐसे ही डिवाइड करना है, हर आइटम को आपको ऐसे ही डिवाइड करना है। सिर्फ आपको मेजर क्या है, आपको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, उसका बेसिस क्या है, उसके बेसिस को आइडेंटिफाई करना है, ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अभी अगला है रिपेयर, अगला है रिपेयर। रिपेयर कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, रिपेयर अपने को वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशियो में डिवाइड करना है, वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशियो में डिवाइड करना है। तो वैल्यू ऑफ प्लांट, अभी वैल्यू ऑफ का प्लांट का जो रेशियो है उसमें आप लोग 3 जीरो निकाल सकते हो, और वो H2 लास्ट डिपार्टमेंट में नहीं है। तो इधर 72:54, 72:54, 72:48:6, तो आपने लास्ट के 3 जीरोस को निकाला, और रिपेयर की जो वैल्यू है 3600, और इसको इनकी टोटल से डिवाइड करना है, 72 + 54 + 48 + 6, 180 से डिवाइड करना है, 3600 को 180 से डिवाइड करके 20 आएगा। अभी ये 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहला 20 × 72 = 1440, 20 × 54 = 1080, 20 × 48 = 960, 20 × 6 = 120। तो सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है, किसी को डाउट्स लग रहा है, स्पीड बराबर है,
सबको प्रॉपर समझ में आ गया है, एक ही प्रोसीजर है। रिपेयर के बाद अगला डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को भी आपको वैल्यू ऑफ प्लांट के रेशियो में डिवाइड करना है। रिपेयर्स का जो वैल्यू है तो डेप्रिसिएशन भी आपको सेम रेशियो में डिवाइड करना है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 2700 है, उसको आपको 180 से डिवाइड करना है। 180 से डिवाइड करके 15 को अभी मल्टीप्लाई करना है, 15 × 72 15 × 54 15 × 48 और 15 × 6 तो 1080 810 720 और ये 90 आ गया। इधर तक किसी को भी डाउट्स है, पूरा बराबर समझ में आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखिए, सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है। ओके, आगे डेप्रिसिएशन के बाद लाइटिंग। लाइटिंग एरिया में डिवाइड करेंगे, लाइटिंग का टोटल 600 है और उसको मैंने क्या बोला था, लाइटिंग के लिए पॉइंट्स दिया नहीं है क्वेश्चन में। अगर पॉइंट्स दिया नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, एरिया में डिवाइड करेंगे ना, तो इधर पॉइंट्स दिया नहीं इसके लिए एरिया में कर रहे हैं। ओके, तो इसको भी हम लोग 120 से डिवाइड करेंगे, 5 आंसर आएगा और फिर 5 × 40 5 × 30 5 × 27 5 × 8 5 × 1 रह गया, 15 रह गया, 5 × 15 और 5 × 8 ठीक है। एरिया के बाद लाइटिंग के बाद है सुपरविजन। सुपरविजन जो आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ वर्कर जो है आपका 54 × 48 × 36 × 24 × 18 ये है और सुपरविजन की अमाउंट है 9000। अभी इनका टोटल लेना पड़ेगा, 54 + 48 = 36 24 और 18 तो ये 180 है,
9000 को 180 से डिवाइड करेंगे, 50 50 इंटू 54, फिर 50 इंटू 48, पचास इंटू 36, पचास इंटू 36, पचास इंटू 24, पचास इंटू 18, सुपर ये क्या था अपना सुपरविजन, सुपरविजन के बाद फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, तो फायर इंश्योरेंस फॉर स्टॉक है ये हम लोग डिवाइड करेंगे स्टॉक वैल्यू के बेसिस पे। स्टॉक वैल्यू फायर इंश्योरेंस की जो टोटल है 3000 है, फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है 3000 और स्टॉक है 45 27 18, दो तीन जीरो निकालेंगे, तीन डिपार्टमेंट में ही है, सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं है, 45 27 और 18, तो ये तीनों की टोटल लेंगे 45 27 और 18, तीनों की टोटल 90, 90 से डिवाइड करेंगे, तो ये 33.333 आ रहा है, लेकिन आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर आएगा, इंटू 45 1500 इंटू 27 900 इंटू 18, तो 1500 900 और 600 आ गया। उसके बाद ESI कॉन्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको बोला था ESI कॉन्ट्रीब्यूशन ये वेजेस या डायरेक्ट वेजेस में आएगा, तो ये वेजेस में आएगा, और सुपरविजन नंबर ऑफ वर्कर्स में आएगा, तो ESI कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 3000, और वेजेस की अमाउंट 18 16 12 15 9 18 15 12 9 6, अठारह पंद्रह बारह नौ और छः, तो इनकी टोटल से डिवाइड करेंगे, 18 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 6, इनकी टोटल 60 होती है,
50 आ गया। तो इधर 50 × 18 900, 50 × 15 750, 50 × 12 600, 50 × 9 450, और 50 × 6 300। तो ये हम लोगों ने ESI कंट्रीब्यूशन डिवाइड किया, उसके बाद पावर, पावर हॉर्स पावर पे देना है, हॉर्स पावर 5400, उनका हॉर्स पावर है 10 निकाल सकते हैं, सिक्सटी इस टू फोर्टी इस टू थर्टी इस टू पंद्रह इस टू पाँच। ये तीन पांचों की टोटल लेते हैं, 60 + 40 + 30 + 15 + 5, तो ये 150 हो रहा है। डिवाइड करेंगे 36, छत्तीस × 60 / 36 × 40 36 × 30 36 × 15 36 × 5
अभी इधर आपको क्या करना है, जो वेजेस की अमाउंट है ये आपको सर्विस डिपार्टमेंट में लिखनी है। वेजेस की अमाउंट नीचे की गई 9,000 6,000 टोटल 15,000। इधर लिखना है गिवन और बाद में इनकी टोटल लेनी है। ये ESI कॉन्ट्रीब्यूशन ये 900 है। तो अपनी अमाउंट जो है ₹270, ₹225, ₹180, ₹135 और ₹90। अभी बराबर 46,200 आंसर है। तो ये सबकी टोटल लेंगे 11,350, फिर ये 8,505, 6,825
11,910, 7,610। तो सिंपल है, गलती क्या हुई थी, ये 900 अमाउंट था, मैंने गलती से 3,000 लिया था, बाकी सब बराबर है। और ये 15,000 जो है वेजेस, ये सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लेने का है। सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर? कोई डाउट्स लग रहा है चैट बॉक्स में लिखिए। सबको प्रॉपर समझा? सिर्फ रेशियो में डिवाइड करना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट ओवरहेड्स, ये आपको क्या करना है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लेके उसकी टोटल लेनी है। तो सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है चैट बॉक्स में लिखिए। समझा कि नहीं समझा? ओके, तो लास्ट में इसको अपने को क्या करने का है, इसको नाम लिखने का है, टोटल नाम लिखो टोटल, और इसको क्लोज करो। टोटल लिख के इसको क्लोज करने का, और ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ओके, फिर थैंक यू।